शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में 2024 हज के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की मुफ्त सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने यहां इंतजाम का जायज़ा लिया। बाद हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। गौरतलब है कि हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। अल्लाह के करम से, अल्लाह का शुक्र है कि हज फॉर्म जो है ना, दो दिन होगा ऑनलाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी, वो लोग जो है सेंट्रल से, सेंट्रल हज कमेटी जो है ऑनलाइन कर दी परसों से, और लोग फॉर्म लेना भी शुरू कर दिए। और हमारे पास जो है आज से शुरू करें, मतलब किसी को भी अगर ऑनलाइन पे मुश्किल हो रही, दुश्वारी हो रही है, तो यहाँ पर हज कमेटी में आकर आप लोग अपना फॉर्म ये कर सकते हैं, यहाँ पर मालूमात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, पासपोर्ट की डेट भी जो है एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 तक रहना चाहिए डेट एक्सपायरी। जैसा कि वो पासपोर्ट दे देंगे, अगर नाम उड़गा भी अगर एक्सपायरी है तो फिर नहीं जा सकते हो, तो उसी लिए जो है पासपोर्ट भी चेक कर लेना चाहिए। और एक ही बार जो आइंदा साल गए वो लोग फिर ये साल नहीं जा सकते, कानून उसी तरीके से आया सो है। और दूसरी बात यह है कि एक कवर में 5 जने, कवर नंबर पे एक रूम में 5 जनों को अलाट करे वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि नुमाइंदगी करेंगे, मीटिंग बुलाने वाले थे, अभी इलेक्शन आ गया, ये सब चीज़ें आ गए, इसमें आके वो लोग कॉन्फ्रेंस अभी बुलाए नहीं, जब भी बुलाएंगे, जैसा भी हालात रहेंगे उस पर बात करेंगे अपन। और हाजियों को जो है 20 तारीख लास्ट डेट है, और वो फिर उसके बाद में डेट बढ़ाना कम करना वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, वो तो अगर वहाँ से डेट आएंगी तो फिर एक 2-4 दिन का ग्रेस टाइम मिल सकता है फार्मों के लिए। फार्म के कोई चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन है, फ्री है। और आप लोग जो है पूरे, मैं आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सीरियसली जो है जिसको भी जाना है हज को, तो वो लोग इमीडिएट जो है फॉर्म सबमिट करिए, और सबमिट कर जो है अपना जो है डिटेल सबमिट करिए, और एक्सपायरी अगर पासपोर्ट है तो फौरन अप्लाई करिए पासपोर्ट ऑफिसर को। 81,000 अलाट होने के बाद भरना है आपको, वहाँ से लेटर मालूम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, सेंट्रल हज कमेटी बोलेंगी कि ये आपका नाम आ चुका है, ये पेमेंट करो बोल के आपको खुद मैसेज आ जाएगा, तो उस टाइम पे भरना है 81,500। 70 प्लस वालों को है, हाँ, एक आदमी जा सकते हो उनके साथ, जो गैस वाले भी, और एक ही बार गैस वाले ये साल नहीं जा सकते। अगर 70 प्लस के जो नहीं गए उनके साथ अगर कोई जाना चाह रहे तो जने जा सकते हैं, और 2 साल के बच्चे भी जा सकते हैं, बस 70 प्लस के जो लोग अंदाजी के जाएंगे। कोई एजेंट से नहीं मिलना है, कोई एक रुपया फालतू लोगों को देना नहीं है, स्टाफ हो हमारा है और बाहर वाले हो, कोई भी बीच में आके ब्रोकर्स हो कुछ भी हम कराते हो करते, कोई कुछ नहीं, सीधा हमारे स्टाफ से आके मिलना है। इरफान से मिलिए आप लोग, इरफान रहते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ है तो हमसे भी बात करिए, हम पोस्ट पे रहो या ना रहो हम भी मदद करेंगे हाजियों की। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उमरा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई, मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से खरीद स्टार लग्जरी होटल्स में खयाम, 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत, मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत, वो तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। उमरा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।